Students, welcome to Hindi online class once again. Today, ma'am uploaded two lecture videos. In first lecture video, we will discuss about MCQ questions. Second lecture video, we will continue our lesson. आपका हम दूसरे के दुख से दुखी होने वाले हैं. पहले समास के कुछ MCQ प्रश्न डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं. फर्स्ट वन, फोर ऑप्शंस आर गिवन. फर्स्ट वन समास, सेकंड वन उपसर्ग, थर्ड वन संधि एंड लास्ट वन अव्यय. वी ऑलरेडी स्टडीड डेफिनेशन ऑफ समास. दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं. समास इज करेक्ट आंसर. देन सेकंड वन, त्रिफला में कौन सा समास है. ऑप्शंस द्वंद समास, दिग्गु समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास. त्रिफला, देन वी ऑलरेडी स्टडीड फर्स्ट वे संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं, दिग्गु समास कहते हैं. सो आंसर इज दिग्गु. थर्ड वन, निम्नलिखित में द्वंद समास का उदाहरण है. फर्स्ट वन चौराहा, सेकंड वन नीलकमल, थर्ड वन रुपया पैसा, फोर्थ वन पीताम्बर. We already studied so many examples, suk duk, maa baap, like that. Then in two words between hyphen here and dono shabd tulya pradan hote hai, usse kya kehte hai, usse dvanda samas kehte hai. Isliye third word rupaya paisa dvanda samas hai. Correct answer rupaya paisa. फोर्थ वन, किस समस्त पद में कर्मधारय समास है. कर्मधारय समास की विशेषता क्या है, पहले शब्द विशेषण की बोध होते हो इसे कर्मधारय समास कहते हैं. ऑप्शंस काली मिर्च, अभिधि, वनवास, आजन्म. इसमें काली मिर्च इस शब्द में पहले काली विशेषण होता है, इसलिए इसे कौन सा समास है, कर्मधारय समास है. सो आंसर, किस समास में पहला पद प्रधान होता है. पहला पद प्रधान होता है, जो समास पहले पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं. देन ऑप्शंस अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, अधिकरण समास, दिग्गु समास. जो समास के पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं. करेक्ट आंसर इज अव्ययभाव समास. देन लास्ट वन, कन्यादान शब्द में कौन सा समास है. पहले समास विग्रह के बारे में पुनरावर्तन करेंगे. कन्यादान का समास विग्रह कौन सा है, कन्या का दान. इसमें दो शब्दों के बीच में का कार्य इस्तेमाल करता है, इसलिए कन्यादान किस समास है. ऑप्शंस बहुव्रीही समास, तत्पुरुष समास, दिग्गु समास, कर्मधारय समास. कार्य शब्द इस्तेमाल करने उसे क्या समास है, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है. करेक्ट आंसर इज तत्पुरुष समास. स्टूडेंट्स, वॉच योर लेक्चर वीडियो फर्स्ट एंड लेक्चर वीडियो सेकंड एंड राइट नोट्स. धन्यवाद.